यार खटिया। हां हां हमरे के बोली और कोने के ना बोलू तो तिलक नु लेके अइबे सर हमार माई बाप काल से तनी के घर से बाहर खेत तनी ना काम करे खाती। अच्छा हम ही करम उकरी के तो गोड़ में मेहंदी लगा के हाथ में मेहंदी लगा के बैठिया सनो हम तो आइल बन भिख मांगा घर फ्रंट पे काम करते है ये मेरी औरत है तो हम लोग ये दोनों मिल के काम करते हैं हम लोग। अच्छा क्या चैनल का नाम है रहता है कि झगड़ा करने वाला रोल रहता है झगड़ा हाँ गोतनी में झगड़ा करने वाला रोल अक्सर यही रहता है। और दादा घर में काम नहीं खे बैल दिन रात मेकअप कर के द्वार पर बैठा रहल बा बताओ ये दादा काम होइत तब मरद लोग तो खाना मंगी लो तो का दे हम खाली थाली दे हम बैठा रहता लोग सास हमारे ये लोग सास है लोग मारे लकीना जैसे मरतानी ऐसे मारे लकीना अपना पगली के याद कबो करे लकीना अपना चंदा के याद कबो करे पतोह बन जाते हैं कभी बेटी बन जाते हैं कभी सास बन जाते हैं कभी फुआ बन जाते हैं कभी कोई पार्चुन वाली बन जाते हैं। तो कैसे ये रोल्स जब करते हैं जब गेटअप करते हैं तो कैसे उस स्वभाव में चली जाती हैं कैसे आपको पता हो जाता है कि नहीं हाँ अब ये 10 मिनट का समय मिलता है उसमें अपने से बोलना पड़ता है कोई लिख के नहीं देता है। अच्छा पूरा स्टेप उसका स्क्रिप्ट पूरा अपने से ही बोलना ये पब्लिक तो अपने है ना सब लोग यही तो आपको देखते हैं रोज। और आज मान लीजिए आप ओरिजिनल ड्रेस में हमारे यूट्यूबर लोग जो फैन लोग हैं उन लोग को बहुत प्यारा एक सॉन्ग बहुत हम गाते हैं जो कि मोहन राठौर भैया गाए हैं बहुत पुराना गाए हैं गाना तो एक गाना गाते हैं कि विरह वियोग में तू जा। नमस्कार दोस्तों मैं अंगारा लाल अभी मैं गोरखपुर जनपद में हूँ। आप लोग जानते हैं कि एसके कन्हैया साहनी के वाइफ का आज गोद भराई है और इसी में बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए हैं। इधर दिखा दीजिए कितना भीड़ है डीजे बज रहा है गाना बज रहा है और लोग डांस कर रहे हैं रील्स बना रहे हैं और इसी बीच ये भी डर हमें कि कॉपीराइट ना आ जाए। खैर कोई बात नहीं हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं देखते हैं कोशिश करते हैं। भैया जी हैं बात करेंगे कहाँ से आए हैं स्वागत है सर क्या नाम है सबसे आपने चैनल के जितने श्रोता लोग देखने वाले हैं सबके स्वागत है दिल से। हम लोग बिहार से आए हैं भैया बोलिए क्या कहना चाहते हैं बिहार से कैसे मतलब कैसे यहाँ पे आ गए यहाँ पर हम लोग कम से कम वहाँ से 10:30 बजे खा पी कर चले थे तो हम लोग 12:30 बजे करीब में तो यहाँ पर 8:30 बजे करीब में 2 ड्राइवर चला कर हम लोग आए यहाँ पर। कितना दूरी से आप आए हैं लगभग कम से कम 350 किलोमीटर से हम लोग आए हैं 350 किलोमीटर जी। अच्छा तो सब लोग यूट्यूबर ही हैं आप जी हम लोग देखिए हम लोग का ये हमारा टीम है हम लोग आप लोग के बदौलत में कुछ कर पाते हैं छोटा मोटा आप लोग के कॉमेडी हंसाने के लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा हाँ तो पूरी टीम आपकी है जी पूरी टीम आई है कॉमेडी बनाते हैं आप लोग जी हम लोग कॉमेडी बनाते हैं बक्सर में जी हम लोग बक्सर माने कहीं भी बहुत दूर दूर जाते हैं यूपी बिहार दिल्ली बहुत जहाँ जहाँ हम लोग का अगर कोई बुलाता है प्यार से कि यहाँ भैया आप आइए अच्छा जगह शूटिंग करना है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं प्यार से। अच्छा हाँ तो इसमें फेमस कौन है सबसे फेमस चेहरा जिसको लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते होंगे लोग खोजते हैं जैसे कमेंट करते हैं कि भाई वो नहीं दिख रही हैं। देखिए हम लोग दोनों हम लोग मेन फ्रंट पे काम करते हैं ये मेरी औरत है तो हम लोग ये दोनों मिल के काम करते हैं हम लोग। अच्छा क्या चैनल का नाम है सर सपना लाइव कॉमेडी टकाटक एसके प्लस 9 खुशी मस्ती ऑफिशियल 8.9 बहुत सारा 11 चैनल अब 11 चैनल मैनेज करते हैं आप लोग जी 11 चैनल और बहुत आप लोग प्यार आशीर्वाद से पब्लिक के प्यार आशीर्वाद से हम लोग बहुत सारा कमेंडी किए हैं। ये नहीं कि 1-2 मिलियन हम लोग का 5-4 मिलियन सब्सक्राइबर भी आप लोग का प्यार आशीर्वाद से। तो कैसा मतलब भोजपुरी में करते हैं या फिर हिंदी में कैसे भोजपुरी में हम लोग करते हैं जिससे गाँव देहात में जो होता है लोग करते हैं सास पतो से ननद गोतनी से जो अगर लोग करते हैं वो चीज़ हकीकत हम लोग दिखाने के प्रयास में करते हैं सुधारने के प्रयास में कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग नत कीजिए ऐसा हो रहा है। देखिए सही बात है और बक्सर से चल के ये पहुँचे हुए हैं गोरखपुर में बस यही एसके कन्हैया साहनी के वाइफ के गोद भराई में और बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों को उनसे मिल के और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि नहीं इतना दूर से चल के आए हम लोग से भी मुलाकात हो गई और इनसे भी बात करेंगे। इनकी वाइफ है जो कि एक साथ दोनों लोग मिल के और पूरी टीम एक साथ मिल करके कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपका भी स्वागत है।
नमस्ते प्रणाम हम खुशी। तो बहुत खुशी के बात बा कि हमने के गोरखपुर में आयल बन जा जौन की सालू जी की और कन्हैया भैया की गोद भराई में। वो तो सही है, लेकिन अब खुशी नाम है तो एक साथ कितने खुशी का इस्तेमाल कर दिए अभी देखना है खुशी जी को। अभी तो आप लोग का प्यार दुलार है कि हम कितना अथू करते हैं। और हाँ, आप लोग के प्यार से बहुत मैंने खुशी है, ये नहीं है कि नहीं खुशी है, और बहुत मेहनत लगा कर काम भी करते हैं हम लोग। और यहाँ का प्यार पाने के लिए हम लोग उतना दूर से बिहार से यहाँ चल के आए हैं गोरखपुर में। अच्छा, आपका क्या रोल्स रहता है आपके कॉमेडी वीडियो में? अक्सर अक्सर रोल्स यही रहता है कि झगड़ा करने वाला रोल रहता है। झगड़ा हूँ, हाँ, गोतनी में झगड़ा करने वाला रोल अक्सर यही रहता है, और नहीं तो सास का रोल करते हैं। अच्छा, और ऐसे भी। किस रोल में आपको ज्यादा अच्छा लगता है? हमको हर रोल में अच्छा लगता है, हम हर रोल कर लेते हैं। अच्छा, झगड़ा किससे करती हैं आप बार बार? जो गोतनी रहती है उससे। कौन गोतनी का रोल करती है? कोई इसमें से गोतनी बन जाएगी छोट बड़ी। अच्छा, तो कर देते हैं। तो बड़ा उसमें उतरना पड़ता है ना एकदम रियल में। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई झूठे को बोलता है कि नहीं वो हमारी मर्द को रखी है, तो ऐसे ऐसे रोल उतारना पड़ता है। ये तो आपको बुलवा के यहाँ पे लेकर आ गए, तो थोड़ा इनको डांटिए तो उस भाषा में रील्स में। देखिए नहीं कर पा रहे, मतलब कि जब उस स्वभाव में आती हैं उस वो एक मोमेंट होता है कि जब उस टाथ में हो जाएंगे ना तो फिर हम इतना भीड़ नहीं देखेंगे। हाँ, अपना काम हम करेंगे, यानी गेटअप जरूरी होता है। हाँ, अभी हम यहाँ मौज मस्ती हंसने आए हैं और प्यार दुलार पाने आए हैं, इसीलिए वो सीरियसली होता है। 10 मिनट का समय मिलता है, उसमें अपने से बोलना पड़ता है, कोई लिख के नहीं देता है। अच्छा, पूरा स्टेप उसका स्क्रिप्ट पूरा अपने से ही बोलना होता है? हाँ, अपने ही से, वो गलत समझा दिया जाता है इस तरह से बोलना? हाँ, नहीं ऐसे बोल देंगे कि वीडियो का मतलब है कि किसी के लड़की को दहेज के कारण जलाया जा रहा है, तो हम लोग हाँ अपने हिसाब से करते हैं। अब जितना हम लोग उसको रच दे कि औरत लोग देख के रो दे, यही है। अच्छा, बहुत झगड़ा में बहुत हम झगड़ा करते हैं, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि वो जो पतली लड़की है वो बहुत झगड़ाऊ ने, तो ऐसे हम नहीं है, ये तो रोल मिल जाता है तो करना पड़ता है। तो देखता होगा तो आपसे पहले यहीं पे लोग बहुत लोग पूछ दिए हैं कि जैसे खुशी दीदी आप दिखाई देती हैं कि बहुत झगड़ाऊ ने, लेकिन आप वैसी है नहीं। हम बोले हैं कि वो रोल है, रियली में हम नहीं वैसे करते हैं, रियल लाइफ में होता है। कभी इनसे रियल लाइफ में झगड़ा ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग 7 साल से काम साथ में करते हैं, और बहुत प्यार आप लोग का प्यार पाने के लिए बहुत सारा हम लोग मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं। हम लोग कल शूटिंग पे थे, शूटिंग करके 9:30 बजे करीब में हम लोग रूम पे आए। कन्हैया भैया से बात है, और एक बेबी संभालना है और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 महीने की छोटी बच्ची है और 2 महीने की है। अच्छा, और आपकी टीम के साथ कौन है, उनसे भी बात करेंगे? ये हैं, ये भी हैं, इनसे तो बातचीत हुई है पिछली वीडियो में देखे हैं। एक क्या नाम है आपका? नंदिनी। अच्छा, आपका क्या क्या रोल होता है? कभी पतोह बन जाते हैं, कभी बेटी बन जाते हैं, कभी सास बन जाते हैं, कभी फुआ बन जाते हैं, कभी कोई पार्चून वाली बन जाते हैं। तो कैसे ये रोल्स जब करती हैं, जब गेटअप करते हैं, तो कैसे उस स्वभाव में चली जाती हैं? कैसे आपको पता हो जाता है कि नहीं हाँ अब ये खुद आ जाता, मतलब जैसे सेटअप लगता है हम लोग का, अब रहता है कि मतलब ये मतलब हम लोग एक्टिंग में उतरना है, तो अब रियल मतलब एक्टिंग हम लोग कर लेते हैं। जिस टाइम हम लोग मिट्टी का घर जो होते हैं, जो मड़ई टाटी रहता है टूटल फूटल, वो वाला घर में हम लोग करते हैं। आप लोग देखेंगे तो लगेगा रियल। एक बार आ जाइए हम लोग का चैनल के। क्या चैनल का नाम है? सपना लाइव कॉमेडी टकाटक खुशी मस्ती SK+9। बहुत सारा चैनल है, आप लोग सीधे से मारिएगा तेजुराज प्रेमी चाहे खुशी सिंह, आप लोग बहुत सारा कॉमेडी देखने को मिलेगा। रियल में लगेगा कि नहीं ये चीज हो रहा है। आप यकीन नहीं होगा कि ये शूटिंग किया हुआ है। अच्छा सर, ये स्क्रिप्ट कैसे आप ढूंढ लेते हैं, स्क्रिप्ट कैसे बना लेते हैं? जो होता है ना गांव देहात में, तो हम लोग गांव देहात के हैं, वो देखते हैं वही चीज उतारते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है खुशी जी की जब आप लोग बनाते हैं वीडियो और फिर अपने ही गांव के अपने मार्केट में जाएं या फिर कहीं और जाएं तो लोग देखें और आप पे गुस्सा करके, अरे ये तो यही है जो कि बार बार उनको डांटते हैं? एक ऐसा कोई कभी नहीं हुआ है। हम बक्सर में रहते हैं, लेकिन कभी भी मार्केट जाते हैं तो 2-4-10 लोग बोलते हैं खुशी जी कैसी हैं। ऐसा है ना कि हम लोग अच्छाई के चीज दिखाते हैं। कभी ऐसा हमारे वीडियो कभी भी देख लीजिएगा आप, आपको ये वो असली चीज मिल जाएगा ना, उस दिन से हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप देख लीजिएगा एक बार चैनल के सर्च मार के, ये गारंटी है। यूपी बिहार चाहे कहीं भी हम लोग जाते हैं, इसी के बदौलत हम लोग कहीं भी जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कैसे, मतलब आपकी टीम में 7-8 लोग 8 लोग 10 लोग चैनल है जो कि हम सॉन्ग गाते हैं, उसका नाम है खुशी म्यूजिक वर्ल्ड। बहुत अच्छा जो कांड हुआ था जो ट्रेन वाला, बहुत अच्छा हम गाना गाए थे जो कि 1 मिलियन
तो गया है तो अब यहाँ पे गुनगुनाना पड़ता है, गुनगुनाना नहीं, वो गाना लिख के दिया गया था, नहीं कॉमेडी कर सकते हैं कॉमेडी कर सकते हैं केवल गुनगुना नहीं सकते नहीं अब चलिए कुछ भी थोड़ा सा दिखाइए ताकि दर्शकों को लगे कि हाँ खुशी जी वही है आज दूसरे गेटअप में है ऐसी बात नहीं सर मना नहीं है दीदी कुछ भी तो बताइए ताकि जो दर्शक है उनको पहचान में ऐसा हो जाता है ना कि पब्लिक देख के गाना भूल जाते हैं पब्लिक तो अपने यहाँ है ना सब लोग यही तो आपको देखते हैं रोज और आज मान लीजिए आप ओरिजिनल ड्रेस में हमारे यूट्यूबर लोग जो फैन लोग हैं उन लोग को बहुत प्यारा एक सॉन्ग बहुत हम गाते हैं जो कि एक मोहन राठौर भैया गाए हैं बहुत पुराना गाए हैं गाना तो एक गाना गाते हैं कि विरह वियोग में तुजारे लकीना विरह वियोग में तुजारे लकीना अपना पगल के याद कब करे लकीना अपना चंदा के याद कब करे लकीना जैसे मरतानी ओइसे मारे लकीना जैसे मरतानी ओइसे मारे लकीना अपना पगल के याद कब करे लकीना अपना चंदा के याद कब करे लकीना बहुत ही प्यारा संग तालियां तो एक बार होनी चाहिए इनके लिए इस गाने पे बहुत हमको प्यार मिलता है जो कि बहुत लोग देते हैं जब हम लाइव आते हैं चैनल से तो हमको एक बार जरूर ये आता है कि नहीं खुशी जी आप वही वाला गाना गाइए हम बोलते हैं कि एक ही गाना आप लोग गवाते हैं नहीं यही गाना जब बेस्ट है आपका और सबसे प्रिय आपका वो गाना है तो सब लोग उसी को गवाएंगे गाना को बहुत पसंद करते हैं गाना के माध्यम से आपको हमको लग रहा था कि कुछ इशारा कर रही थी आप क्या कर रहे हैं नहीं बहुत अच्छा गाते हैं आप भी गाने से कुछ गुनगुनाएंगे कुछ जवाब देंगे गाने के माध्यम से ऐसा बात नहीं आप लोग सर में सब भेंट होगा फिर भी बाद में अच्छा आप भी कुछ सिंगिंग भी करती हैं कि नहीं नहीं बस एक्टिंग करते हैं हम लोग एक्टिंग डायलॉग कोई लाख नहीं फेमस है खाटी दिहाती कभी कि हम लोगों के यहां बक्सर में कभी आइए और हम लोगों के यहां मतलब खाटी जब दिहाती का हुआ है वो आप लोग तो चलिए अपने भाषा में बोला लो काहे ना बोला खाली जगह बस बदला ले सोच बस विचार बदलल बा बोला बोला सुनावा एक तो सुनावा डायलॉग इनके बोला ही कुछ सुनने अच्छा बोल दे तने हां कॉमेडिया वाला थोड़ा आगे से हट जाए आई हो दादा घर में काम नहीं खे बैल दिन रात मेकअप कह के द्वार पर बैठे रहल बा बताओ ये दादा काम हो तब मरद आई लोग तो खाना मंगी लो तो का दे हम खाली थाली दे हम बैठे रह तो लोग सास हमारे ये लोग सास है लोग सास है यार माने बनती नहीं है आप गेटअप में अब आए ना बोलिए एक बार बोल दीजिए कहां बाड़ू सरे हाँ मम्मी अरे सुतले से दिन पार हो जाए कि और ही कोनो काम काज बाटे आई है मम्मी जी हम का कह देखा तनी मेकअप से कब का के त बैठल बाड़ी सर हम अकेले का त ना करी हां हां लेके नाइल बाड़ू जो बाप भाई का यही से तू रतड़ यार खटिया हां हां हमरे के बोली और कोने के नत बोले उ त तिलक न लेके आइल बा सर हमार माई काल से तनी के घर से बाहर खेत त ना काम करे खातिर अच्छा हम ही कर हम उ करी के त गोड़ में मेहंदी लगा के हाथ में मेहंदी लगा के बैठिया सनो हम त आइल बन भिख मांगा घर के हम आने दीजिए बहुत ही अच्छा लगा समझ लीजिए और आप लोग को हम गुजारिश करके एक बार ताली तो इनके लिए होनी चाहिए बताइए इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो 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 ये भाषा हम लोग बोलते हैं कि कॉमेडी आती है तो टकाटक और सपना लाइफ सपना एंटरटेनमेंट पे आता है तो आप लोग उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए जो देहाती एकदम जो गाँव का देहाती बात रहता है वही हम लोग करते हैं जो रियल लाइफ में चलता है कांड जैसे घर में होता है हमारे घर में चाहे बगल में हम लोग बहुत अच्छा अच्छा वीडियो शूटिंग किए हैं कि जो सावन पे किए हैं कि सास और गुतनी ऐसी रहती हैं कि जो सावन में जल ढारने जाते हैं और इधर मुर्गा बना के खाती रहती हैं तो आप लोग देखते हैं कि सावन में जैसे कोई घर में छोटी है जे मतलब देवरानी तो जल ढा रही है और उसकी दो गो जेठानी है तो इतना अत्याचार करिए कि जैसे ही शिव जी पर जल चढ़ा रही है तो करके पी रही है तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए अंधविश्वास नहीं होना चाहिए महादेव जी को मानना चाहिए ऐसा नहीं है कि महादेव जी अगर सच्चे दिल से मानिएगा तो देव की तो देव ना तो पत्थर चलिए बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके और बक्सर से आए हुए हैं गोरखपुर में यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के
क्या बोलते हैं इनको, नगरी पावन धरती पे ही समझिए, उन्हीं के जगह पे आए हुए हैं। और बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके इन लोगों से, और इनका कॉमेडी वीडियो चैनल पर जाके देखिए कैसा वीडियो बनाते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।